आपको रह गया था मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो बेसिकली की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ना होता है, किसी भी फंक्शन का हम लोग मैक्सिमा या मिनिमम कैसे निकालेंगे, एक टॉपिक आपको रह गया था, इसको हम लोग पहले कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे प्रोजेक्टाइल में रिलेटिव मोशन देखेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा, जैसे मान लो कोई फंक्शन है, जैसे हम लोग साइन टी का ग्राफ ले लेते हैं। साइन टी का ग्राफ पता कैसे बनता है? ऐसा ग्राफ बनता है, अगर इधर हम लोग टी ले लेते हैं, इधर हम लोग बाई ले लेते हैं। मान लो फंक्शन कोई दिया हुआ है बाई इक्वल टू साइन टी 0 से लेके 2 पाई तक, तो 0 से लेकर 2 पाई तक अगर फंक्शन को हम लोग एनालिसिस करें तो इधर फंक्शन कैसा है? इधर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यहां तक फंक्शन क्या क्या है, इंक्रीज किया। इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा? तो बाई की वैल्यू क्या कर रहा है, जैसे आप टी बढ़ाते जाओगे बाई की वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पहले बाई यहाँ पे था, 0 था, फिर इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, यहाँ पे जाकर बाई क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। फिर फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीज करना शुरू किया। ठीक है, यहाँ तक फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ का फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछे बताओ कहाँ पे मैक्सिमम होगा या फिर कहाँ पे मिनिमम होगा, आप क्या बोलोगे? इस ग्राफ को देख के बता सकते हो कि इस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और इस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। इस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। तो कोई भी फंक्शन अगर दिया हुआ है, रैंडम से कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो उसका हम लोग मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालेंगे? तब ध्यान दोगे कि या तो मैक्सिमम की बात करें या तो मिनिमम की बात करें। अगर यहाँ पे हम लोग स्लोप की बात करें, स्लोप जानते हो ना, स्लोप क्या देता, डीवाई बाई डी एक्स देता है किसी फंक्शन का। इस पॉइंट पर अगर स्लोप चाहिए, स्लोप क्या देगा, डीवाई बाई डी एक्स देगा। ये बात तो पता है ना, ये भी नहीं पता है? डिफरेंशिएशन में ये चीज पढ़े होगे कि कोई भी फंक्शन अगर दिया हुआ है तो डीवाई बाई डी एक्स क्या देता है, स्लोप देता है। ये बात पता है? दिया, नेटवर्क यस सर। गया क्या? बाकी लोग नहीं आए जी। एक चीज पता होगा आपको, एक क्या देता है, स्लोप देता है। तो यहाँ भी देखोगे तो जब मैक्सिमम हुआ फंक्शन तब भी स्लोप क्या है, 0 है, और जब मिनिमम हुआ तब भी स्लोप क्या है, डीवाई बाई डिक्स क्या है, 0 है। और कहीं पे देखो तो डीवाई बाई डिक्स 0 है क्या? नहीं है। तो देखो 0 कब आएगा, तो इधर की ओर देखोगे तो इधर स्लोप क्या है, इधर स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप पता ना टैन थीटा होता है। तो इधर किस कोई भी लाइन ले लो आप, ठीक है, इधर अगर कोई भी पॉइंट लोगे तो इधर पे स्लोप कैसा आएगा, ऐसा आएगा, और इधर पे पॉइंट पे देखो तो स्लोप कैसा आएगा, ऐसा आएगा। तो इधर पे स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है, और इधर स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। इधर स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपको पता है जब स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग टाइप का होगा। स्लोप अगर पॉजिटिव होगा, कोई फंक्शन का देख लो, अगर स्लोप आपको पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ तक स्लोप देखो पॉजिटिव है, तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर यहाँ पे स्लोप क्या हुआ है, 0, सॉरी स्लोप 0 हुआ है, फिर स्लोप क्या हुआ है, निगेटिव हुआ है। तो जब स्लोप निगेटिव होगा मतलब फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगेन देखो यहाँ पे क्या हो गया, स्लोप 0, फिर फंक्शन इंक्रीज करना शुरू किया मतलब स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, स्लोप अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग टाइप का होगा। अगर स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन होगा आपका डिक्रीजिंग टाइप का। तो कोई चीज अगर बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था फंक्शन, इंक्रीज के बाद क्या हो गया, डिक्रीज होना शुरू हुआ। तो इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज होना शुरू किया, इसका मतलब क्या, यहाँ पे कहीं मैक्सिमम होगा, यहाँ पे कहीं मैक्सिमम होगा। उस तरह से यहाँ पे देखोगे तो स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और इस पॉइंट के बाद फंक्शन क्या क्या चेंज कर गया, फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीज होना शुरू हुआ। कोई चीज घट रहा था, घट रहा था, घट रहा था, अब चीज बढ़ना शुरू किया है, मतलब वो क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। एंड इस पॉइंट को देखोगे तो क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा, और इस पॉइंट को देखोगे तो क्या होगा, ये मैक्सिमम पॉइंट होगा। यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यहाँ पे फंक्शन मिनिमम होगा। ठीक है, इसी कंडीशन को हम लोग
यूज करेंगे, ठीक है, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए। सबसे पहला चीज तो हम लोग ये सीखे कि अगर कहीं पॉइंट पे अगर मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा है, ठीक है, यानी स्लोप पॉजिटिव से निगेटिव या फिर निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा होगा, तो उस पॉइंट पे स्लोप क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। चाहे वो मैक्सिमम हो चाहे वो मिनिमम हो, दोनों केस में देखोगे स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। तो फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा या फिर मिनिमा, मैक्सिमा की बात करें या फिर मिनिमम की बात करें, क्या होगा द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्या होगा, जीरो होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज जीरो, ये होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव तो बिल्कुल हमको पता है क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, फॉर एग्जांपल कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है तो मैक्सिमा या मिनिमा निकालना जब हो तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करेंगे, जीरो करेंगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। पहले उसका फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको जीरो करके, उसको जीरो करके क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कौन कौन सा पॉइंट आया, जैसे मान लें कि इसका डेरिवेटिव किए और इसको जीरो किए तो दो पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि दो पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। तो आपको दो पॉइंट मिल जाएगा, टी वन एंड टी टू मिल जाएगा। तो टी वन टी टू क्या हो जाएगा, हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, यानी ऐसे पॉइंट जहां पर फंक्शन या तो मिनिमम होगा या तो फंक्शन मैक्सिमम होगा। अभी हमको मिनिमम मैक्सिमम पता नहीं चला है कौन सा पॉइंट मैक्सिमम होगा कौन सा पॉइंट मिनिमम होगा, लेकिन वो सारे पॉइंट्स आपको इस कंडीशन से मिल जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो इक्वेट करके सॉल्व करोगे तो इससे आपको ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पर फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। अब फंक्शन मैक्सिमम कब होगा मिनिमम कब होगा कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम पता चलने के लिए कौन से पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम होगा कौन से पॉइंट पे हम लोग मिनिमम होगा, हम लोग क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, डबल डेरिवेटिव, ठीक है। अगर डबल डेरिवेटिव मान लो कि बाय जो फंक्शन ऑफ एक्स ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, टी की जगह पे इसको एक्स कर देते हैं, क्योंकि जब आप एक्स एक्स लिख रहे हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसको हम लोग एक्स कर लेते हैं। एक्स वन पॉइंट हो गया, एक्स टू पॉइंट हो गया। तो कब पता चलेगा कि पॉइंट मैक्सिमम है, कब पॉइंट चला के पॉइंट मिनिमम है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे डबल डेरिवेटिव, डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर क्या आता है, लेस देन जीरो आता है, यानी निगेटिव आता है, ठीक है। जैसे आपने सॉल्व किया डी वाई डी इक्वल टू जीरो करके सॉल्व किया और आपको दो पॉइंट आया, एक एक्स वन आया और एक एक्स टू आया। सपोज आपने डबल डेरिवेटिव निकाला, डबल डेरिवेटिव निकाला और डबल डेरिवेटिव में जो फंक्शन आया उसमें एक्स वन एक्स टू को वैल्यू निकाले, निकालते ना हम लोग कि डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर और एक्स इक्वल टू एक्स वन पे या फिर एक्स टू पे, जिस पे भी निकालना हो, एक्स वन एक्स टू पुट किए, अगर मान लो कि इसका वैल्यू निगेटिव आ जाता है, तो इसका वैल्यू अगर निगेटिव आ जाता है तो मतलब क्या होगा कि उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या होगा तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों होगा बताते हैं, पहले याद रखो, अगर डबल डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है, डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, अगर क्या हो ग्रेटर देन जीरो आए, किसी पॉइंट पे अगर ये जीरो से बड़ा आए, पॉजिटिव आए, उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा तो मिनिमम होगा, उस पॉइंट पे फंक्शन हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। देखो ये बात समझ में आ रहा है, ये चीज तो अभी क्यों ऐसा होगा ये बात समझो, से कोई भी फंक्शन उन्होंने यहाँ पे लिया था, साइन एक्स का फंक्शन लिया था, तो इधर क्या है, इधर स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। मान लेते हैं कि इधर स्लोप कितना है, एम वन है, और इधर स्लोप मान लेते हैं क्या है, एम टू है, इधर स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या किए, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, स्टेप वन में तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करके हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हमको क्या देगा, क्रिटिकल पॉइंट्स दे देगा जहां पे हम लोग को
पता चलेगा कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा या फिर किस पॉइंट पे मिनिमम होगा, बट एग्जैक्टली हम लोग को पता नहीं चलेगा किस पॉइंट पे मैक्सिमम है किस पॉइंट पे मिनिमम है, लेकिन वो पॉइंट्स पता चल जाएंगे इन्हीं कुछ पॉइंट में से किस मैक्सिमम होगा किसी पे मिनिमम होगा, ठीक है। इसको हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम ही बोलते हैं, ठीक है, लोकल मैक्सिमम या फिर लोकल मिनिमम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे डिटेल में आप मैथ्स में पढ़ोगे ही, जल्दी पढ़ोगे, मैथ्स में भी वही चल रहा है ना, डिफरेंस चल रहा है ना तुम लोग का, मैथ्स में क्या चल रहा है? फंक्शंस अच्छा, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? सेकंड स्टेप में हम लोग डबल डेरिवेटिव निकालेंगे डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा? तो डी ऑफ डबल डेरिवेटिव जानते हो ये क्या होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स को अगेन क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या होता है, अगर डी वाई बाई डी एक्स की बात करोगे मतलब ये क्या है, डेल बाई बाई डेल एक्स है ना, जहाँ पे डेल एक्स क्या होता है टेंस टू जीरो होता है, डेल एक्स टेंस टू क्या होता है जीरो होता है। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स करेगा मतलब क्या है, चेंज इन स्लोप होगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, एम टू माइनस एम वन बाई डेल्टा एक्स, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? अगर हम लोग इस छोटे से इंटरवल की बात करें, इस छोटे से इंटरवल की बात करें तो डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा, मतलब होगा ये डी ऑफ डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स का हम लोग निकाल रहे हैं डेरिवेटिव, यानी चेंज इन स्लोप की बात कर रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स करते मतलब क्या होता है, चेंज इन बाई बाई डी एक्स, तो डबल डेरिवेटिव मतलब क्या होगा, तो डेल्टा डेल्टा एम की बात करेंगे, डेल्टा एम मतलब चेंज इन स्लोप, यहाँ से यहाँ तक कितना स्लोप हुआ है, तो चेंज इन स्लोप की बात करेंगे तो क्या है, इधर स्लोप क्या है निगेटिव है, यानी एम वन क्या है आपका, एम वन आपका पॉजिटिव है और एम टू क्या है निगेटिव है, ठीक है। तो निगेटिव माइनस पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और आपको पता है कि जब भी ऐसा कंडीशन होगा यानी स्लोप पॉजिटिव से निगेटिव आएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मैक्सिमम ही मिलेगा ना, यानी डबल डेरिवेटिव वैल्यू अगर निगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप पॉजिटिव से क्या हुआ है, निगेटिव हुआ है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पहले स्लोप क्या था, तो पहले स्लोप होगा निगेटिव, फिर स्लोप क्या होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर डबल डेरिवेटिव की बात करें, ठीक है, एट पॉइंट ए की बात करते हैं, मार्क कर देते हैं, पी मान लेते हैं और क्यू मान लेते हैं, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी पे देखोगे, एट पॉइंट पी पे जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, निगेटिव आया है, इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा, यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एट क्यू पे देखोगे, एट पॉइंट क्यू पे देखोगे तो क्या होगा, तो डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगेन अगर यहाँ पे स्लोप मान लेते हैं कि एम थ्री है, यहाँ पे स्लोप मान लेते हैं कि एम फोर है, तो पॉइंट क्यू पे अगर हम डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर की बात करें इसका मतलब क्या आएगा, क्या आएगा, एम फोर माइनस एम थ्री बाई डेल्टा एक्स। एम फोर क्या है आपका, एम फोर आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, माइनस ऑफ ये क्या आपका निगेटिव है, तो पॉजिटिव माइनस निगेटिव माइनस निगेटिव, निगेटिव निगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ये टर्म क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यानी अगर डी टू बाई बाई डी स्क्वायर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप क्या हो रहा है, तो निगेटिव से क्या हो रहा है, स्लोप पॉजिटिव हो रहा है, और निगेटिव से जब भी पॉजिटिव होगा तो ये कंडीशन कब होगा, स्लोप निगेटिव था मतलब फंक्शन क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, और स्लोप पॉजिटिव होगा मतलब फंक्शन इंक्रीज करना शुरू किया, तो डिक्रीज कर रहा था फंक्शन घट रहा था, घट रहा था, घट रहा था, फॉल हो रहा था, और फंक्शन इंक्रीज करना शुरू हुआ तो क्या हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। तो अगर डबल डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ है, मिनिमा हुआ। किसी फंक्शन को अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो तो आप दो स्टेप्स में इसको फॉलो करोगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस रूट थ्री कॉस एक्स, ठीक है, आपको निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच वाई इज मैक्सिमा और मिनिमा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच वाई इज बस मैक्सिमा और मिनिमा, कहाँ पे
एक्स की वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा और कहाँ पे मिनिमम होगा, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स कितना आ जाएगा, तो साइन एक्स का आ जाएगा कॉस एक्स प्लस रूट थ्री इंटू, और कॉस एक्स का कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स। अब इसको क्या करना है, इक्वेट टू जीरो करना है। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा कॉस एक्स माइनस रूट थ्री साइन एक्स इजक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि टैन एक्स इजक्वल टू, टैन एक्स इजक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री हो गया, तो नहीं हो गया, इधर जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड करोगे तो कॉस बाय साइन का हो जाएगा टैन हो जाएगा, इधर आएगा तो वन वन रूट थ्री हो जाएगा। तो टैन एक्स इजक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा। तो एक्स इजक्वल टू कितना बोले हम लोग, पाई बाई थर्टी डिग्री, कितना हो जाएगा, पाई बाई सिक्स हो जाएगा। यानी एक्स इजक्वल टू पाई बाई सिक्स पे ये फंक्शन क्या होगा, तो या तो मैक्सिमम होगा या तो क्या होगा, मिनिमम होगा। आवाज जा रहा है जी? हेलो, यस सर। बोलते बोलते नहीं जी, हम साइलेंट हो जाते हो। समझ में आ रहा है? हाँ। अद्या हाँ सर। लक्ष्य, तुम तो पढ़ी रखा होगा पहले से, तुम तो तबाह कर दिया मुझे। x इक्वल टू पाई बाई सिक्स पे या तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा तो मिनिमम। ठीक है, पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास लेकिन छोड़ना मत, हो सकता है कुछ नया सीखने को मिल ही जाए। एक अपने से पढ़ना है, कोई पढ़ा दे, बहुत डिफरेंस है उसमें। तो x इक्वल टू पाई बाई सिक्स पे या तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। अभी हमको बस ये पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, हो सकता है एक से ज्यादा पॉइंट मिले, एक ही पॉइंट मिले, वो डिपेंड करेगा। तो फंक्शन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा हम लोग कैसे चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे डबल डेरिवेटिव करके, डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, उसके लिए हम लोग इसका करेंगे डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो कॉस का डबल डेरिवेटिव करेंगे कितना आ जाएगा, कॉस का साइन एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और रूट थ्री माइनस साइन एक्स तो कितना आ जाएगा, ये साइन एक्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब पुट करो कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितना आता है x इक्वल टू पाई बाई सिक्स पे, डी टू पाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू पाई बाई सिक्स। पुट करो कितना आता है, माइनस ऑफ साइन पाई बाई सिक्स मतलब 30 डिग्री रूट थ्री कॉस 30 डिग्री। आपको पता है कि साइन क्या होगा, साइन 30 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कॉस 30 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव होगा मतलब दो निगेटिव का सम है तो क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा। अब निकाल के टाइम वेस्ट करना है अपने को, ठीक है, निकाल के टाइम वेस्ट करने का तो मतलब नहीं है। दो निगेटिव नंबर का सम है तो क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। अपने को बस यही चेक करना था कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो एट एक्स इक्वल टू पाई बाई सिक्स डबल डेरिवेटिव वैल्यू क्या आया, निगेटिव आया, मतलब यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। यानी ये जो फंक्शन दे रखा था बाय इक्वल टू क्या दे रखा था, फंक्शन साइन एक्स प्लस रूट थ्री कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस रूट थ्री कॉस एक्स, ये क्या होगा, ये होगा मैक्सिमम होगा कहाँ पे, तो एट एक्स इक्वल टू पाई बाई सिक्स पे। जरा पाई बाई सिक्स पुट करो तो जरा कितना आएगा वैल्यू मैक्सिमम, तो साइन पाई बाई सिक्स मतलब साइन 30 डिग्री प्लस रूट थ्री इंटू कॉस 30 डिग्री, कितना आएगा इसका वैल्यू, साइन 30 कितना होता है, रूट थ्री इंटू, और कॉस 30 कितना होता है, क्या है जी, मतलब बोलना बंद कर दिया हो, वन बाई टू प्लस थ्री बाई टू कितना हो गया, फोर बाई टू डिवाइड बाई टू कितना हो गया, टू हो गया। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आया कितना आया, टू आया। और आप एक चीज पढ़े होगे, जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होगे मैथमेटिकल टूल्स में, तो आपको पता होगा कि कोई फंक्शन अगर इस तरह से दिया हुआ है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो तो जरा फंक्शन दे रखा था कैसा,
साइन एक्स प्लस रूट थ्री इंटू कॉस एक्स। यहाँ से जरा बाई मैक्स देखो तो कितना आएगा, अंडर रूट यहाँ पे कितना है, वन है, तो वन का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर। यहाँ से कितना आएगा, रूट थ्री का स्क्वायर करोगे तो थ्री, थ्री प्लस वन कितना होगा फोर, फोर का अंडर रूट कितना होगा टू। तो दोनों जगह से सेम आंसर आ रहा है, दोनों जगह से क्या रहा है, सेम आ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, टू आ गया। तो जब भी मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं, जैसे हम कल बता रहे थे कि रेंज मैक्सिमम निकालो, तो हम बोले थे ना कि डी आर बाई डी थीटा करके जीरो को पुट करके निकाल लेना। अब वहां पे जो क्वेश्चन रहेगा आप उसको करने की कोशिश करना, ठीक है, मैक्सिमम रेंज के लिए, फॉर मैक्सिमम रेंज। लास्ट क्लास में बताए थे मैक्सिमम रेंज इन प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो बोले थे कि डी आर बाई डी थीटा जीरो करना, वहां से थीटा का वैल्यू निकालना और देखना कि उस थीटा पे मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। तो क्वेश्चन आप एक बार फिर से जाके घर पे ट्राई करना इस मेथड से, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम, जैसे y इज इक्वल टू मान लो ऐसा कुछ फंक्शन दे दे आपको एक्स क्यू बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, चलो ऐसा ले लेते हैं। एक्स क्यू बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर। अब कुछ एक बताओ, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ बाई, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ बाई, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ बाई, बाई का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ठीक है। सेम काम करेंगे, क्या करेंगे, तो पहले निकाल लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, उसको जीरो से इक्वेट करेंगे। यहाँ से वो क्या देगा, क्रिटिकल पॉइंट देगा, इसको अगर डिफरेंशिएट करता तो कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, और नीचे भी थ्री है, थ्री थ्री क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू एक्स इजक्वल टू क्या जाएगा जीरो। तो यहाँ से देखोगे तो क्या जाएगा, तो एक्स इंटू एक्स माइनस टू इजक्वल टू क्या आ गया जीरो आ गया। तो यहाँ से देखोगे तो एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू कितना आ गया टू आ गया, दो वैल्यू आ गया, एक एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू टू, यानी इस दोनों वैल्यू पे डिवाइडेड कितना है जीरो है। तो इसमें से कोई पॉइंट क्या होगा मैक्सिमम होगा, कोई पॉइंट क्या होगा मिनिमम होगा, ठीक है। तो किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा किस पॉइंट पे मिनिमम होगा कैसे पता चलेगा, तो आगे डबल डेरिवेटिव करेंगे डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू पे मैक्सिमम और टू पे मिनिमम। बड़ा जल्दी सीख गई तुम, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ए आ जाएगा। अब चेक करो कहाँ पे, तो x इक्वल टू जीरो पुट करोगे, x इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा माइनस टू आ जाएगा, यानी डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू जीरो, ये आपको क्या आएगा लेस देन जीरो आएगा। जीरो पुट करो ये जीरो हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस टू आ जाएगा। चलो लिख देते हैं माइनस टू हो जाएगा लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या मैक्सिमम ना, यहाँ पे मैक्सिमम। अगर डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर पुट करोगे at x equal to 2, x equal to 2 put karo kitna ho jayega 2 into 2 4 minus 2 kitna ho jayega 2 ho jayega, jo kya hai greater than 0 hai, positive hai, matlab kya hoga minimum, ulta yaad rakhna hai, negative mein maximum, positive mein minimum, theek hai। to x equal to 0 pe function kya hoga hamara maximum hoga, x equal to 2 pe function hamara kya hoga minimum hoga, to zara nikal lo bymax kitna hoga, to bymax equal to, theek hai, yahan pe kya karo x equal to put kar do aap 2 put kar do, तो कितना हो जाएगा 8 बाई थ्री माइनस फोर, ये होगा ना, सॉरी एक्स इक्वल टू जीरो पर बात कर रहे हैं ना, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो कितना जाएगा ए भी जीरो हो जाएगा, ए भी जीरो हो जाएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो बाई होगा कितना होगा जीरो होगा। अगर मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, इसको से ले देते हैं बाई ऑफ जीरो इक्वल टू कितना होगा जीरो। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगा, तो बाई टू पे होगा, ठीक है। x इक्वल टू टू पुट करेंगे तो कितना जाएगा टू का पावर थ्री कितना जाएगा एट बाई थ्री माइनस कितना जाएगा फोर हो जाएगा, एट बाई थ्री माइनस फोर, एट बाई थ्री माइनस फोर, ठीक है। ये कितना आ गया एट माइनस सिक्स, सिक्स नहीं बारह, तो जाएगा एट माइनस ट्वेल्व कितना जाएगा माइनस ऑफ फोर बाई थ्री। तो इसका मिनिमम वैल्यू हो गया और उसका क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो कोई फंक्शन को मिनिमम मिनिमाइज करना है मैक्सिमाइज करना है तो आप इस तरह से करोगे,
होमवर्क में कुछ क्वेश्चन लिख लोगे, ठीक है। जैसे मैं फंक्शन लिख देता हूँ, अब उसका मीन मैक्सिमम मीन आपको निकालना होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x+3, दो तीन क्वेश्चन कर लो बस। y इज इक्वल टू x³ - 9/2x² + 6x + 5, ठीक है। ऐसे दो तीन फंक्शन है जिनको आप क्या करोगे, मैक्सिमम मिनिमम निकाल लोगे। एक ऐसा भी ट्राई करना √3 sin θ + ये तो हो ही गया कैसे 2 cos θ, फिर भी ट्राई कर लोगे घर पे जाके, कब वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम होगा, कब वैल्यू क्या होगा मिनिमम होगा, ठीक है। इतना बहुत है, मैक्सिमम मिनिमम में कोई दिक्कत होगा आप बताओ। हेलो, क्या नेटवर्क गया जी? यस सर। दिक्कत होगा, मैं यस सर बोल रही है, नो सर ना, दिक्कत होगा, नो सर। बाकी लोग समझ में नहीं आता है सर, तो एक मैक्सिमम मिनिमम जो टॉपिक था जो बोला था कि हम बता देंगे तुम लोग को अलग से, तो कभी भी किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करके आप चेक करोगे कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। रुक जाओ, तुम भी मत बोलो। जैसे कि मान लो कोई ऐसा फंक्शन है, ठीक है, कोई अगर ऐसा फंक्शन है तो क्या देखोगे, तो यहाँ पे भी स्लोप जीरो होगा, यहाँ पे भी स्लोप जीरो होगा, यहाँ पे भी स्लोप जीरो होगा, और यहाँ पे भी स्लोप जीरो होगा, फर्क नहीं होगा। तो आप अगर डी मान लो कोई फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दे रखा है, तो अब इसको अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करोगे, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या देगा, ये मान लेते हैं कि x1 पॉइंट है, ये मान लेते हैं कि x2 पॉइंट है, ये मान लेते हैं कि x3 पॉइंट है, और ये मान लेते हैं कि x4 पॉइंट है। तो जब एफ डैश इक्वल टू जीरो सॉल्व करोगे, ये आपको क्या देगा, 4 पॉइंट देगा, x1 x2 x3 एंड x4, 4 पॉइंट देगा कि नहीं चाहेगा, क्योंकि हर ये चारों पॉइंट पे क्या है, स्लोप क्या है, जीरो है। आप तो सॉल्व कर रहे हो उसी के लिए ना, कहाँ कहाँ पे स्लोप जीरो है। अब देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला पॉइंट पे आपको देगा मैक्सिमम, यानी डबल डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, तो x1 पे डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी डायरेक्टली लिखता हूँ ऐसे, एफ डैश में तो समझते हो ना, डेरिवेटिव को लिखते हैं एफ डैश, एफ डबल डैश देखोगे एट x1 इक्वल टू x1 पे क्या आएगा, ए लेस देन जीरो आएगा, x2 पे देखोगे तो एफ डबल डैश एट x2 वो क्या आएगा, तो ग्रेटर देन जीरो आएगा। फिर देखोगे यहाँ पे f डबल डैश x3 तो क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा, और यहाँ पे देखोगे f डबल डैश x4 क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। यानी ए वाला पॉइंट क्या देगा आपको, मैक्सिमा देगा, ए वाला पॉइंट पे आपको क्या देगा, मैक्सिमा देगा, ए वाला पॉइंट पे आपको क्या देगा, मिनिमा देगा, और ए वाला पॉइंट पे क्या देगा आपको, मिनिमा देगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ x इक्वल टू यहाँ से लेके अप टू यहाँ तक मैं फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, अगर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछेगा तो क्या इसको मैक्सिमम बोलोगे, इसको मैक्सिमम बोलोगे, कि इसको मैक्सिमम बोलोगे, ये क्या होगा, ए मैक्सिमम वैल्यू होगा, वर्क नहीं होगा। और जब मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम कौन सा होगा, ए वाला पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा, ए वाला पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। ऐसे फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन बताता हूँ, तो हम लोग ये जो पॉइंट निकाल रहे हैं ना, इसको हम लोग लोकल मैक्सिमम बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा, इसको हम लोग लोकल मैक्सिमम बोलते हैं, इसको हम लोग लोकल मिनिमा बोलते हैं, लोकल मिनिमा, ये भी क्या हो गया हमारा, लोकल मिनिमा, ठीक है। ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मतलब इसके आसपास देखोगे तो इसके आसपास ये पॉइंट क्या है, तो मैक्सिमम है, इसके आसपास देखोगे तो ये पॉइंट क्या है, मिनिमम है। ये लोकल क्या है, मैक्सिमम है, क्या है, लोकल मिनिमम है। अगर आपको ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमम निकालना हो आप क्या करोगे, हर एक पॉइंट पे मैक्सिमम निकालोगे और देखोगे इसमें से कौन वैल्यू बड़ा है। अब तो आपको फिक्स पॉइंट मिल जाएगा ना, 4-5 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम के लिए आपको 2 पॉइंट मिल गया, आप चेक कर लेना डाल के किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, आप फंक्शन वैल्यू
पुट करके देख सकते हो, अगर यहाँ पे निकला तो आपको क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। और साथ साथ आपको एंड पॉइंट पे भी चेक करना होगा, एंड पॉइंट पे भी, कि एंड पॉइंट पे क्या फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ठीक है। यानी तो आपको जितने क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे उसके अलावा आपका दो क्रिटिकल पॉइंट और हो जाएगा एंड पॉइंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू x फाइव है, x फाइव। तो ये सारे पॉइंट पे आपको निकाल निकाल के चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको ग्लोबल मैक्सिमा या फिर ग्लोबल मिनिमा के केस में, फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगा, मैथ्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इस तरह से, ठीक है। जानबूझ के फंक्शन इस तरह से दिया रहता है कि मैक्सिमम वैल्यू इस पे आएगा एंड वाले पॉइंट पे। अब बच्चे लोग क्या करते हैं, निकालते हैं और इनमें से चेक करते हैं और इसको मैक्सिमम मार्क कर जाते हैं, माइनस वन नंबर लेके आ जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या आता, ए था। अब पूछो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, बात समझ में आया पहले क्या बोल रहा हूँ, बोलो। क्लास एंड होने के बाद पूछूंगा। बोलो ना, बोलो तुम लोग समझ में आया है, बाकी लोग को? यस सर। ठीक है, तो ऐसे फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगा, फिजिक्स में हम लोग को इतना ही से काम चल जाएगा, ठीक है। ऐसा बहुत कोई रेयर ही होगा, क्योंकि हम मैक्सिमम मिनिमम यहाँ थोड़ा ना पढ़ने के लिए बैठे हैं, वो तो मैथ्स का काम है। तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, वहाँ पे बस एक ही दो फंक्शन आएगा, वहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तुम बोलो बोलो क्या है, देख लेते हैं। सर यही कंसेप्ट लास्ट वाला बताया, समझ गया। अच्छा, तुम्हारा डॉट पहले ही आ जाता पूछने से, पढ़ाने से पहले ही, ये दिक्कत है। बोलता हूँ पहले पढ़ लो पूरा तब पूछा करो, यही पूछना था तुमको। यस सर। चलो, ये यहाँ तक मैक्सिमम मिनिमम सारा चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई भी चीज रहेगा तो आप कर सकते हो। हम लोग को नेक्स्ट है रिलेटिव मोशन। तो ये टाइल में होमवर्क दिए थे, अरे प्रोजेक्टाइल वाले में होमवर्क दिए थे क्या? कोई कुछ बोलता कहीं नहीं है जी। लास्ट क्लास में नहीं दिए थे, नहीं दिए थे मॉड्यूल। लास्ट क्लास तो हो ही गया था गड़बड़, तो भूल जाऊंगा, उससे पहले क्या करो, होमवर्क नोट कर लो, रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। होमवर्क में कहाँ से दें, एक्सरसाइज टू में, ये सब होमवर्क तो से पहले ही देना था हमको, लेकिन दे नहीं पाए थे सर। हाँ, 26 सर, हॉलीडे होमवर्क बहुत सारा है, थोड़ा कम दे सकते हैं इसको? हाँ हाँ, देखो देखो कम देंगे, 26, 27, 29, 31, 32, 32, 34 46, 40, 41, बस इतना ही दूंगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 क्वेश्चन, इतना ठीक है ना? 10 दे 10, 37 भी कर लेना, 10 क्वेश्चन तो करके आओगे ना फिजिक्स में, 10 ठीक है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं दिए हैं। हाँ सर, ठीक है, 10 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिलेटिव मोशन पे, जिसका हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, कल ही शुरू करना था हम लोग को, कल तो पता नहीं क्या था, दिन अच्छा नहीं था मेरा। रिलेटिव मोशन क्या होता है? ऐसे तो आपने जब हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू किए थे, तभी हम लोग बोले थे कि जब भी हम लोग मोशन की बात करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी की बात करते हैं, तो हमेशा क्या होता है, रिलेटिव ही होता है, ठीक है। रेस्ट या मोशन हम लोग जब भी डिफाइन करते थे क्या होता है, रिलेटिव ही होता है। रिलेटिव वर्ड तो हम लोग उसी टाइम पे यूज कर लिए थे। तो जब भी वो लोग मोशन की बात करते हैं, मान लो सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, मान लो दो कार है, एक कार मान लेते हैं कि ट्रेवल कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। पहले हम लोग रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन देखेंगे, फिर हम लोग टू डायमेंशन में देखेंगे, क्योंकि वहां पर वन डायमेंशन में रिलेटिव मोशन पढ़ाए नहीं थे ना। पहले हम वन डायमेंशन देखेंगे, बोला था कि एक साथ ही करेंगे हम लोग, फिर हम लोग टू डायमेंशन में देखेंगे रिलेटिव मोशन। मान लो कि दो कार है, एक चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से और 30 सेकंड, एक कार मान लेते कि बी है, एक कार मान लेते कि ए है। तो अगर आपसे पूछे सिंपल सा कि
वेलोसिटी ऑफ कार बी एज सीन बाय ए। अगर बी का वेलोसिटी हम लोग देखे ए से तो क्या दिखेगा, 30 मीटर दिखेगा, उससे ज्यादा दिखेगा, उससे कम दिखेगा, या फिर कुछ और दिखेगा? अगर ऑब्जर्वर हमारा ए पे हो, ठीक है, आप इस कार को चला रहे हो और आगे से आपका एक कार जा रहा है, ठीक है, दूसरा, अगर आप इस मोशन को ऑब्जर्व करो, ठीक है, इसके कार के मोशन को अगर ऑब्जर्व करो, तो इसका जो वेलोसिटी है क्या दिखेगा, क्या 30 दिखेगा क्या आपको, क्या आप फील करोगे, क्या फील करोगे, कोई बोलो। देखो क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं एक सेकंड के बाद क्या होगा, एक सेकंड में एक कार कितना चलेगा, एक कार चल जाएगा 20 मीटर, चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? एक सेकंड के बाद अगर देखोगे तो एक कार कहीं 20 मीटर आगे चला गया होगा, और एक कार क्या हो गया होगा, तो एक कार यहाँ से कार भी क्या हो गया था 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। मान लो कि स्टार्टिंग में दोनों के बीच में डिस्टेंस था 100 मीटर, ठीक है, अब एक सेकंड के बाद क्या होगा, तो एक सेकंड के बाद एक कार क्या हुआ 20 मीटर इधर गया और एक क्या गया यहाँ से 30 मीटर गया, तो अब इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा, कोई एक चीज है जिसे यहाँ पे आपको एक पॉइंट पॉइंट ले लेते हैं तो पॉइंट पॉइंट ज्यादा समझ में आएगा, जैसे का यहाँ पे कार ए है, यहाँ पे कार बी है, अभी डिस्टेंस कितना है 100 मीटर है, एक सेकंड के बाद क्या हुआ था, ए वाला पॉइंट कहाँ पहुंच गया, तो 20 मीटर आगे पहुंच गया, और ए वाला पॉइंट कहाँ पहुंच गया, 30 मीटर आगे चला गया, ए पॉइंट 30 मीटर चला गया और ए पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 मीटर आया, अब इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ। अरे पहले 100 था, अब ये 30 आगे चला गया है, क्या गया 30 आगे चला गया, इधर से क्या आया बीसी आया, तो डिस्टेंस 110 मीटर होगा कि नहीं होगा, एक सेकंड और बाद देखोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 120 मीटर हो जाएगा, एक सेकंड और बाद देखोगे तो कितना हो जाएगा 130 मीटर हो जाएगा, यानी हर सेकंड देखोगे तो हर सेकंड जो कार बी है, ठीक है, कार ए से 10 मीटर क्या कर रहा है, आगे जा रहा है। अगर आप इस पे रहोगे, यहां से मौसम को ऑब्जर्व कर रहोगे, तो आपको ये जो कार हुआ क्या दिखेगा, 10 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, इधर की ओर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन था पहले क्या था, 100 मीटर था, फिर 110 मीटर हो जा रहा है, फिर 120 मीटर हो जा रहा है, फिर 130 मीटर हो जा रहा है। कोई अगर ऑब्जर्वर है यहाँ पे और आपके रिस्पेक्ट में किसी का पॉइंट यहाँ पे था कि 100 मीटर पे है, फिर क्या हो गया है 110 मीटर पे हो गया, फिर क्या हो गया है 120 मीटर पे हो गया, तो क्या लगेगा कि इसका जो स्पीड है कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है ना, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो जब भी हम लोग रिलेटिव मोशन की बात करेंगे तो जो ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर को हम लोग ट्रीट करेंगे रेस्ट करेगा, ऑब्जर्वर अपने आप को क्या करेगा, रेस्ट की तरह ट्रीट करेगा और देखेगा कि जो सामने वाला बॉडी है किस तरह से मूव कर रहा है। तो ऑब्जर्वर इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट पे, एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट पे देखोगे तो बी क्या है, तो 10 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ कार बी अगर ए के रिस्पेक्ट में देखा जाए, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, वो आएगा 30 माइनस 20 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ कार बी, इसी को बोलते हैं रिलेटिव मोशन, वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए कितना आ जाएगा, तो 30 माइनस 20 कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड आएगा। अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ कार कार ए एज सीन बाय बी देखे तो बी कितना आएगा, यानी अब हमारा ऑब्जर्वर क्या आ गया है, इस पे आ जाए, ठीक है, अब हमारा ऑब्जर्वर क्या आ जाए, इस पे आ जाए सेकंड केस में। अब यहां से क्या करे, यहां से बैठ के इस कार के मोशन को एब्जॉर्व करे, इस कार का मोशन कैसे हो रहा है, तो क्या दिखेगा, अब अपने आप ये क्या करेगा, अब सेकंड केस में ये अपने आप को रेस्ट मानेगा, ये अपने आप को रेस्ट मानेगा, ठीक है। अब क्या देखेगा, तो हो क्या रहा है,
तो बी अपने आप को रेस्ट मानेगा, तो बी एक्चुअली कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया है। तो अब जो डिस्टेंस 110 मीटर हो जा रहा है दोनों के बीच में, इसका मतलब क्या लगेगा कि अपने आप को अगर रेस्ट में मानेगा तो क्या लगेगा कि ये जो कार है ये क्या हुआ है, यहाँ से 10 मीटर और इधर चला गया, तभी तो डिस्टेंस कितना 110 मीटर हुआ है। डिस्टेंस क्या हुआ है 110 मीटर हुआ, तभी हुआ है ना, जब एक कार क्या हुआ है पीछे की ओर चला गया। इसको अब क्या करना है, इसको रेस्ट में ट्रीट करना है, ठीक है। जैसे कि ए बी था, ये क्या था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जरा। जैसे कि अभी कितना था, इनिशियली कितना था 100 मीटर था। अब t इक्वल टू 1 सेकंड के बाद देखेंगे ये ऑब्जर्वर कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है, और ये क्या हो गया होगा, यहाँ पे आ गया। अब डिस्टेंस कितना हो गया होगा दोनों के बीच में 110 मीटर। तो अगर b को हम लोग ऑब्जर्वर मानते हैं, ये अपने आप को क्या ट्रीट करेगा, रेस्ट में ट्रीट करेगा, और उसको क्या लेगा कि डिस्टेंस हम दोनों के बीच में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ेगा कब, जब ये कार इधर मूव करेगा कि इधर मूव करेगा। इसका मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब ये जो कार ए है वो क्या कर रहा है, पीछे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है, पीछे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आएगा आपका 20 - 30 = -10 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर वेलोसिटी ऑफ कार ए देखा विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या आया, ये आपका आ गया वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, देखे तो क्या आ गया, सॉरी ये आ गया वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। यानी इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि ए हमारे यहाँ पे क्या था, ऑब्जर्वर था। ए क्या आ गया, तो आपका है वी ए माइनस डी बी, इसको बोलेंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि अब बी क्या कर रहा है, हमारा मोशन को एब्जॉर्ब कर रहा है बी के रिस्पेक्ट में। ये बात समझ में आया, यही इंपॉर्टेंट है, अगर ये जानते हो तो हम लोग बड़ा धड़ाधड़ आगे कर लेंगे। ये बात समझ में आया, पक्का? तो जब भी हम लोग बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, रिस्पेक्ट टू बी। हाँ सर, ये तो तभी ना जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी देखो ना, अभी करेंगे, ये हमेशा इसी केस में, दोनों केस में क्या आया देखो ना, दोनों केस में क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, वी बी माइनस वी ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। देखेंगे अभी एग्जांपल देखेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या, अभी क्या है, आप ये ध्यान रखोगे कि जब भी रिलेटिव मोशन यहाँ पे ए और बी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और बी क्या है, तो है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में ही मोशन और रेस्ट की बात करते हैं, तो रेस्ट जब हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए और बी बोलेंगे, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, और ए क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। जरा इसको जरा अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं एक कार इधर क्यों मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और एक कार इधर क्यों मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, कार ए कार बी। अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछे, यानी ऑब्जर्वर कहाँ हमारा पे, बी पे है, ऑब्जर्वर हमारा कहाँ पे, बी पे, जिसके रिस्पेक्ट में देखेंगे वो क्या होगा, हमारा ऑब्जर्वर होगा, ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है, बी हमारा पे क्या है, ऑब्जर्वर है, इमोशन को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या होगा, अगर आप देखोगे तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखोगे कितना आना चाहिए, आना चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितना होगा, तो वन डायमेंशन में क्या होता था, इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानने हुए ऑटोमेटिक ए डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, किधर है, इधर की ओर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लस 10 मीटर पर सेकंड।
माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ बी किधर है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसको लिखेंगे हम लोग माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। हम भी तो वही बोले थे, तुम तो बोले थे खाली जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगा तब ना सर। सर अगर साइन कन्वेंशन ना ले तो नहीं, साइन कन्वेंशन सर वेलोसिटी वेक्टर है तो हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ ही इसको लिख रहे हैं वी और वीवी, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। ये आंसर भी क्या आएगा, आंसर यहाँ पे क्या आया है, पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव मतलब तो बी के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में ए का जो वेलोसिटी दिखेगा वो क्या दिखेगा, इस डायरेक्शन में दिखेगा, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी दिखेगा आपको इस डायरेक्शन में कितना, 15 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ। यानी मतलब आप ऐसे भी देखोगे इसको अगर रेस्ट में मानते हो, इसको अगर आप रेस्ट में मानते हो, जब इसको रेस्ट में मानोगे तो क्या होगा, एक सेकंड के बाद देखोगे तो क्या होगा, ये 5 मीटर इधर आ जाएगा, ये 10 मीटर इधर चला जाएगा, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस कम हो रहा होगा, 15 मीटर डिस्टेंस कम हो रहा होगा। और इसको रेस्ट में मानोगे तो क्या होगा, इसको जब रेस्ट में मानोगे तो क्या लगेगा, यही जो कार ए है वो क्या कर रहा है, 15 मीटर पर सेकंड से मेरी तरफ आ रहा है, 15 मीटर पर सेकंड से मेरी तरफ आ रहा है, ऐसे ही लगेगा ना, ऐसे ही लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर आपसे कुछ बताओ वेलोसिटी ऑफ ए, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगेन क्या हो जाएगा, हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, होगा कि नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ बी मतलब वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, नेगेटिव है तो क्या जाएगा, माइनस ऑफ 5 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, पॉजिटिव है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो क्या दिखेगा ये, माइनस 5 माइनस 10 क्या दिखेगा, ये माइनस 15 मीटर पर सेकंड। यानी जब ए से ऑब्जर्व करोगे मोशन को, ठीक है, अगर इस यहां से ऑब्जर्व करना शुरू करोगे मोशन को, नीचे बना देते हैं ज्यादा बेटर होगा, अगर ए से मोशन को ऑब्जर्व करोगे बी को, तो बी क्या कर रहा है, 5 सीधा आ रहा है, एक क्या जा रहा है, 10 सीधा जा रहा है, तो ए अगर ऑब्जर्व हो रहा है, हमारा ऑब्जर्वर हमारा अगर ए है, तो क्या दिखेगा कि बी वाला जो है वो क्या कर रहा है, 15 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये क्या आ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या आएगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, मतलब ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऑब्वियस है, इसको रेस्ट में मानोगे तो क्या होगा, 15 सेकंड से क्या कर रहा होगा, ये हमेशा इधर की ओर आ रहा होगा, ये बात समझ में आ रहा है। तो यहां से देखोगे कि जब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बोले हम लोग, ठीक है, वो क्या आया, प्लस 15 आया, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोले तो क्या आ जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा। तो यहाँ से आप बहुत आराम से बोल सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, होगा कि नहीं होगा। यस सर, होगा कि नहीं होगा, अगर एक के रिस्पेक्ट में उधर आगे की ओर जा रहा है, दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा, पीछे की ओर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए ऐसा भी आता, ये होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ऑफ, ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, आगे माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, कैसे भी देख सकते हो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए होगा। यहां तक कोई क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, हाँ ना, कुछ तो बोलो। नो सर। बाकी लोग जी समझ में आता है जी, अक्षत अक्षत दीक्षा, यस सर, समझ में आता सारा कुछ, यस सर। रिद्धिमा नहीं आएगा तो बताना, वापस बताएंगे, नहीं आ रहे तो इसे ये मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राउंड है और एक पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल बी है। पार्टिकल ए का पोजीशन मान लेते हैं कितना है, आर ए है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पोजीशन देख रहे हैं, पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, आर ए है, और पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करें तो कितना हो जाएगा,
है आर बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या हो जाएगा पार्टिकल ए रिस्पेक्ट बी, यही होगा ना, पढ़े हैं ना हम लोग पोजीशन वेक्टर, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, देखो फिर क्या आएगा, ये वाला वेक्टर आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, यही होगा ना। अरे बोलो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी के रिस्पेक्ट में अगर ए का देखोगे पोजीशन वेक्टर तो क्या आएगा, ये लाइन आएगा, ये वाला आएगा ना पोजीशन वेक्टर, भूल गए? हाँ सर। अरे बोलो ना। यस सर। बोलते नहीं हो जी। तो यहां से बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा कि आर ए बी प्लस दिस वेक्टर, ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, ए वेक्टर होगा कि नहीं होगा, ऐसे लिख लेते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, इज प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू क्या जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पोजीशन वेक्टर ऑफ होगा कि नहीं होगा, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की जब बात करते हैं, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बात सेम ही है, कुछ नहीं किया, पहले इसको लिख लिया फिर इसको लिख लिया। अगर हम लोग बोले कि सिमिलरली वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, होगा कि नहीं होगा, पोजीशन अगर इस तरह से दिया तो डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा वेलोसिटी मिल जाएगा। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं सिमिलरली कि एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जरा ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूँ, कहने का मतलब क्या होगा कि इसको देख लेते हैं, सब सिमिलरली लिख सकते हैं हम लोग, ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना था तो हम लोग क्या लिखे, ए विथ रिस्पेक्ट टू अदर फ्रेम, ठीक है, किसी और फ्रेम का हमको लिखना था वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हम लोग क्या लिखे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कहने का मतलब, ठीक है, कि अगर मान लो कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए से बी जाना था लेकिन हमको वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू कोई अदर फ्रेम पता था सी फ्रेम, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, यहीं पे ग्राउंड की जगह सी लिख दिया हमने, ठीक है, ग्राउंड की जगह पे सी लिख दिया, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन रूल भी बोलते हैं, अगर कोई भी मान लो फ्रेम दिया हुआ है, ठीक है, और इसको हम लोग तब तक लिखते रहेंगे जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको वैसे हम लोग कंटिन्यूस लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि पार्टिकल का वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू हमको सी पता है और सी फ्रेम का वेलोसिटी हमको पता है डी फ्रेम से प्लस डी फ्रेम का वेलोसिटी हमको पता है बी फ्रेम से, तब जाके क्या होगा वेलोसिटी ऑफ, लिखने का तरीका देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखना था तो हम लोग लिखे वेलोसिटी ऑफ ए, हमको पता किसके फ्रेम में था सी के फ्रेम में, तो हम लोग लिख लिया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, फिर सी वाला क्या करेंगे बी के रिस्पेक्ट में, जब तक नहीं पता चलेगा डी वाला हमको बी के रिस्पेक्ट में मिल गया तो स्टार्ट हम यहाँ से किए और एंड हम कहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए, क्योंकि ए और बी के फ्रेम में लिखना था वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर बीच में जितना फ्रेम दिया रहेगा उस सबको आप इस तरह से ऐड करते हुए लिखोगे, इस तरह से ऐड करते हुए लिखोगे, जैसे कि हम लोग अभी से पहले बोले थे
कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो बेसिकली क्या था वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए क्या था विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या था ग्राउंड था। यानी क्या होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको हम लिख सकते हैं प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू क्या होगा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सेम चीज किए हम लोग, ग्राउंड को बी कर दिए, उल्टा कर दिए, अगेन वापस से सेम चीज हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू कैसे लिखे, वेलोसिटी ऑफ ए कोई अलग फ्रेम था सी फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस ग्राउंड का बी के साथ। अब दोनों चीज क्या है सेम है, तो ये तीन चीज हम लोग याद रखेंगे क्या क्या, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू क्या होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, नेगेटिव रूल भी होता है ठीक है, या फिर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू क्या जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, और एक और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी सब एक ही चीज है इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये तीनों बात समझ में आया, तीन चीज पढ़े इतना देर में हम, हाँ ना बोलो। यस सर, यस पक्का, बड़ा धीरे बोलती हो, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा सर, आ रहा है पक्का, यस सर, हाँ घर पे जाके इसको पढ़ना भी है, एक मिनट रुको थोड़ा सुस्ता नहीं तुमको, देखो ध्यान देखो पढ़ो जरा, ये हमका रिलेटिव वेलोसिटी हो गया वन डायमेंशन में। यहां तक कोई दिक्कत समझने में तो हम लोग क्वेश्चंस करके देखें, तीन बात है, तीन बात दिमाग में भेजे में अटता है, तीन चीज अगर दिमाग में रहेगा तो रिलेटिव मोशन के वन डायमेंशनल क्वेश्चन बड़ा आसानी से हम लोग कर देंगे, सब हम लोग घुमा फिरा के एक ही चीज लिख रहे हैं ठीक है। जैसे तो सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, मान लो ए ट्रेन है, ए वाला ट्रेन बहुत सरपली, मान लो ट्रेन मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड ठीक है, ये दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, ट्रेन का स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ पे लक्ष्य को भगा देते हैं, बहुत तेज भागते हो, पढ़ाते हैं कुछ, भागता पूछता कुछ और, मान लेते हैं कि 15 मीटर पर सेकंड से इस पे कोई बंदा है जो भाग रहा है, लेकिन ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है ये दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन यानी ट्रेन के ऊपर ठीक है, ट्रेन के ऊपर कोई ऐसे था दौड़ रहा है, मूवी में देखते हो ना लड़ाई वड़ाई में होता है एक्शन मूवी में ट्रेन के ऊपर ही लड़ाई करना शुरू कर देते हैं लोग। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ ये मान लो कि ऑब्जर्वर है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, ग्राउंड फ्रेम से अगर देखेंगे हम लोग तो उसका जो वेलोसिटी होगा कितना होगा। तो सिंपल सी चीज है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए अपने को ठीक है, क्या लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ क्या है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस क्या लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है 15, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 10, तो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियस था, ग्राउंड फ्रेम से अगर आप देखोगे तो ट्रेन तो क्या कर रहा है हर सेकंड 10 मीटर चली रहा है और उसके ऊपर ये मैन क्या कर रहा है तो 15 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, एक सेकंड के बाद देखोगे तो एक ट्रेन क्या होगा, एक ट्रेन चला जाएगा 10 मीटर आगे और उस पे जो बंदा खड़ा था वो क्या चला जाएगा 15 मीटर आगे चला जाएगा, तो ट्रेन खुद चला गया 10 मीटर आगे और ऊपर पे 15 मीटर चला गया आगे, तो टोटल कितना चला जाएगा एक सेकंड में देखोगे तो 25 मीटर आगे चला गया होगा एक सेकंड में, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन या फिर ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे तो क्या आ जाएगा तो
इस तरह से हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूला से भी लिखेंगे और समझ में भी आएगा कि हमारा ऐसा ही होना चाहिए। सर बात ठीक है? हाँ सर, इसको दूसरे वे में भी तो बना सकते हैं। कौन सा वे में सर? कि इसको लिख दे कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, और उसके बाद बना लें। मतलब ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वही तो कर रहे हैं, सिंपल सा तरीका है। इसमें क्या दिमाग लगा रहे हो, क्या बोलने चल रहे हो, समझ में नहीं आया मुझे, बताओ। इसको ओटी लिख ले, मतलब बोलो बोलो। मतलब आप जो ये लिखे है ना, इसी को उलट फेर कर दें खाली, इसको उलट दें। लिखने का तरीका ऐसे है ना, ओ से टी, फिर टी से जी, तब तक लिखते जाएंगे जब सब स्टार्टिंग ओ से करेंगे, एंड हम लोग जी पे करेंगे। अब किसको उल्टा करने के लिए बोल रहे हो, हमको निकालना ही है। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ओ से टी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ओ से जी माइनस वेलोसिटी ऑफ जी से टी। वेलोसिटी ऑफ जी से टी ऐसे? हाँ गलत है, बिल्कुल गलत। गलत किसे है कि हमने जब लिखा था कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हमने लिखा था वेलोसिटी ऑफ ए माइनस, कैसे होगा, यहाँ प्लस लिखोगे ना, ओ से जी प्लस जी से टी, ऐसे लिखोगे ना। यस सर। प्लस लिखोगे तो ठीक है, बात तो वही कर रहे हो ना, हमको तो निकालना है ओ से जी ना, अब एक ही चीज काम तो ही कर रहे हैं, ठीक है, ये भी काम आप सेम ही कर रहे हो ना। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है, तो आपका 15 है, ये देख लो, उसका आइडिया है, मेरा आइडिया नहीं है। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपको निकालना है, मान लेते हैं एक्स है, प्लस अब वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन तो पता नहीं है, नहीं पता है ना, क्या पता है हम लोग को, तो पता है हम लोग को वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है, उल्टा करोगे तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो जगह 15 इक्वल टू एक्स माइनस, और ये चीज पता कितना है 10 है, तो अगेन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 ही आ जाएगा, ये ज्यादा उल्टा पुल्टा नहीं है तुम्हारे हिसाब से, डायरेक्टली लिख लेंगे, नहीं समझे? सर हम भी तो यही बोले, तो आप उसको बोले नहीं गलत है, प्लस होना चाहिए। तुम जी टी बोल रहे ना, टी बाई जी बोल, नहीं हम सर टी जी बोले, इसलिए तो वहां माइनस लगा है ना। अच्छा अच्छा तब ठीक है, कैसे भी लिख लो, हाँ लिख सकते हो ना, तब अब तो पता ही है ना, बताया है ना कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, बस ध्यान रखना कि ये दोनों क्या होगा, सेम फ्रेम में होगा, ग्राउंड में है तो ग्राउंड में होगा, कोई अलग फ्रेम में है तो अलग फ्रेम में होगा, सी फ्रेम में तो सी फ्रेम में। जैसे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बात कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर सकते हैं, सर ध्यान रखना है आप सेम 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 लिखना है, ठीक है, जब माइनस साइन लिखेंगे तो सब है, ये गलत नहीं करते, हाँ ये दोनों जी जी होना चाहिए, सेम फ्रेम में होना चाहिए, तभी माइनस लिखेंगे। बात समझ में आया? Yes, चलो लास्ट क्वेश्चन है, ये करो और आज का कहानी हो जाएगा समाप्त। छुट्टी में इतना कौन होमवर्क दे रहा है जी, कौन से सर दे दिए हैं? दो चीटी है, चीटी कैसे बनाए, ऐसा होता चीटी, ठीक है, जे जो फंक्शन हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी के लिए लिख रहे हैं, सेम टू सेम क्या होगा, एक्सेलरेशन के लिए होगा, सेम टू सेम एक्सेलरेशन के लिए होगा, सेम टू सेम पोजीशन के लिए होगा, ठीक है। मान लो एक चींटी है, ए है, जो कि ऊपर की ओर चढ़ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ए वाला चींटी है जो ऊपर की ओर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ए पुल्ली है जो कि इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। तो आपको निकालना है ये दोनों जो दिया हुआ है एक्सेसर, ठीक है, ये दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू रोप,
विथ रिस्पेक्ट टू रोप। रोप के रिस्पेक्ट में इस आंट का एक्सेशन दे रखा है और इस चिट्टी का जो एक्सेशन है रोप के, ये भी क्या है, रोप के रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू रोप। और ये जो है एक्सेशन ऑफ द पुल्ली जो है ये दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आपको निकालना है फाइंड एक्सेशन ऑफ टू आर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दोनों चिट्ठी का एक्सेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, जरा निकालो। दो मिनट का टाइम देता हूं, दो मिनट तुम निकालो उसका, दो मिनट में हम निकालेंगे। निकल गया, निकला। पर बी वाला का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, और ए वाले का 6 लाख। यस सर। बताओ तुम रिलेटिव मोशन कब कब पढ़ लिया जी? ए वाले का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड होगा और बी वाले का जो है ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे ज्यादा है तो उसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड होगा। वेरी गुड, सिंपल सा है। देखो गलत कर दी तुम, हम जो फॉर्मूला निकालो उसे चलते हैं फिर समझेंगे कि कैसे होगा रियल में। तो एक्सेलरेशन ऑफ जीटी ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है हमको, जीटी ए का एक्सेलरेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और जीटी बी का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ जीटी ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ जीटी ए विथ रिस्पेक्ट टू रोप प्लस एक्सेलरेशन ऑफ रोप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लिखेंगे ना। ए टू जी, ए टू आर नया फ्रेम में और आर टू जी, बिल्कुल सही लिखे हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू रोप, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये रोप के रिस्पेक्ट में दे रखा ना, कितना होगा। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन और ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो अपवर्ड डायरेक्शन में तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर। और एक्सेशन ऑफ रोप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो एक्सेशन ऑफ रोप क्या होगा, तो रोप इधर क्या होगा, रोप ऊपर क्यों जा रहा होगा, रोप क्या कर रहा होगा, ऊपर क्यों जा रहा होगा, इसका एक्सेशन क्या हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव में। तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी देखो यहाँ पे चीटी भी क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था, साथ साथ रोप भी क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो जो एक्सेशन होगा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, होना चाहिए कि नहीं ऐड जाएगा, चीटी भी क्या कर रहा है ऊपर जा रहा है साथ साथ रोप भी क्या कर रहा है ऊपर जा रहा है, दोनों का क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। आ भी रहा है फॉर्मूला से, 1 + 3 = कितना होगा, 4। अब सेकंड आते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको वैसे लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू रोप प्लस एक्सेलरेशन ऑफ रोप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब बी देखो, बी क्या कर रहा है, तो बी जा रहा है ऊपर, रोप के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, और कितना से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये लिखेंगे हम लोग प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे देखो एक्सेशन ऑफ रोप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इधर डायरेक्शन में जो रोप है, रोप क्या आ रहा है, नीचे क्यों आ रहा है ना, इधर रोप ऊपर जा रहा था तो इधर रोप क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, तो इसका जो एक्सेलरेशन हुआ क्या होगा, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा।
माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ओवरऑल कितना हो जाएगा? माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। निगेटिव साइन मतलब क्या दिखा रहा है आपको कि जो चीटी है बेसिकली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो चीटी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे, ग्राउंड के साथ चिट्टी क्या हो रहा है तो 1 मीटर पर सेकंड से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। ऑब्वियस था कि देखो डायरेक्टली बोल सकते थे हम लोग ए 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है और रस्सी कितना आ रहा है, 3 मीटर से नीचे आ रहा है। तो चीटी हुआ 2 मीटर ऊपर चढ़ा 1 सेकंड में और रस्सी 3 मीटर नीचे आ गया, ओवरऑल क्या हुआ, चीटी नीचे आ रहा होगा ना 1 मीटर, ओवरऑल चीटी क्या आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। यहाँ पे बता भी रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, निगेटिव आया ना। और ये क्या था, तो ये था आपका ऊपर जा रहा है 1 सेकंड में देखोगे तो चीटी क्या किया, 1 मीटर चला और रोप क्या चल गया, 3 मीटर चला गया, ओवरऑल कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या होगा तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ में आया? बात समझ में आया? आया जी? Yes, sir. पक्का? इतना धीरे बोलती है, क्या दिक्कत है? और धीरे पढ़ाए क्या, और स्लो पढ़ाए? नो सर। ठीक है ना, इतना भी बहुत स्लो है। तो ये हुआ रिलेटिव मोशन की कहानी। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, थोड़ा सा बस 3 इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, ठीक है, इन रिलेटिव मोशन हम लोग कैसे यूज करेंगे, रिलेटिव मोशन नेक्स्ट क्लास में बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोग बोलते हैं ना पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, तो v इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ पे बस हम लोग बोलेंगे v रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव इनटू a रिलेटिव इनटू t, यानी कि मतलब कोई भी एक ऑब्जर्वर पकड़ लो, यानी वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b प्लस एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इनटू क्या जाएगा t। रिलेटिव मतलब कोई भी एक ऑब्जर्वर पकड़ ले, सो ऑब्जर्वर यहां पे v पकड़ लिया, तो सब कुछ b के रिस्पेक्ट में आपको लिखना है, फाइनल वेलोसिटी भी b के रिस्पेक्ट में लिखना है, इनिशियल वेलोसिटी भी b के रिस्पेक्ट में लिखना है और एक्सेलरेशन भी b के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इनटू t। सेकंड इक्वेशन इससे आ जाएगा, a रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव इनटू t प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ ऑफ a रिलेटिव इनटू t स्क्वायर। ठीक है, अगेन सेम चीज, रिलेटिव मतलब कोई भी एक ऑब्जर्वर पकड़ लोगे कि b के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो, तो s विद रिस्पेक्ट टू b, u विद रिस्पेक्ट टू b, a विद रिस्पेक्ट टू b। उस तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कितना जाएगा, तो v रिलेटिव का स्क्वायर इक्वल टू u रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2 इनटू a रिलेटिव इनटू s रिलेटिव। ठीक है, कुछ खास नहीं था, लेकिन इस पे जब बेस्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ट हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन था, रिलेटिव टर्म में लिखेंगे, बस हर जगह पे रिलेटिव रिलेटिव हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत? इस पे बेस्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ पूछना है आज के लेक्चर में? बोलो। किसी को क्या हो गया, ये थक गए हो? कितना क्लास था आज? दूसरा है। दूसरे क्लास में थक गए हैं? थके तो नहीं है। क्या हुआ दीक्षा? अद्या यस सर, क्या समझ में आना बंद हो गया क्या? नहीं सर, समझ ही रहा हूं। कोई दिक्कत? ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। किसी को दीक्षा? नो सर, हमेशा जब पढ़ाते हैं तो जाके को उसको शांत दिमाग से पढ़ो, पहले 15-20 मिनट ही पढ़ोगे तो अपने आप हो जाएगा, 15-20 मिनट ज्यादा नहीं टाइम लगेगा पढ़ने में। जो पीडीएफ भेजते हैं उस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ोगे तो 15-20 मिनट लगेगा, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करा करो। एक बार ऐसा नहीं कि गए घर में क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया, बेस्ट तरीका ये। हाँ क्लास खत्म हो गया? हाँ क्लास खत्म हो गया, पीडीएफ सेंड कर दे तो क्लास खत्म हो गया, रिकॉर्डिंग बंद करने दो।